चुके हैं, जिससे सर मेरी आंखों के आगे कई एक्सीडेंट हो चुके हैं सर यहाँ पे। यही पे जिस यहाँ पे गया सर, मैं यहाँ से सर सिंघू बोर्ड रहा और रोहिणी से डेली अप डाउन करता हूँ। अच्छा, सिंघू बोर्ड सर यहाँ पे काफी एक्सीडेंट सर मैं डेली ही देखता हूँ लोगों, जिसमे सर लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और यहाँ तक की जान भी गई है। अच्छा, तो आपने ये चीजें देखी है, ट्रैफिक लाइट तोड़ना बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रैफिक नियम नहीं है, लेकिन फिर भी हर कोई नियमों का पालन करना नहीं चाहता। लोग तब तक हेलमेट पहनना नहीं चाहते जब तक ट्रैफिक पुलिस ना दिखे। ट्रैफिक रेड लाइट तोड़ना कितना कॉमन है आज के टाइम पे आपके? बहुत कॉमन है आज के टाइम पे रेड लाइट तोड़ना, एंड मुझे लगता है कि हमें एक स्टेप लेना चाहिए ताकि ट्रैफिक रूल्स वायलेट ना हो, एंड सो दिस इज व्हाट आई मींस वन ऑफ द कॉमन। अभी इतना मुझे कॉमन लगता नहीं, क्योंकि कई सिटीज में चाहे वो मेट्रो सिटीज हो चाहे वो हमारे, जैसे वी आर फ्रॉम कानपुर, सो वहाँ पे भी ना अब इफ यू क्रॉस अ ट्रैफिक लाइट यू गेट योर इनवॉइस चालान एट योर होम ऑल्सो, सो ऑटोमेटिक टाइप। हां, सो इट वाज अ इशू, बट नाउ आई डोंट थिंक ट्रैफिक लाइट क्रॉस करना इशू है, तो ऑटोज वाले भी काफी अवॉइड करते हैं ट्रैफिक लाइट तोड़ना। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए कार्य नहीं किया। हर साल दिल्ली में 5,00,000 वाहनों का पंजीकरण होता है। 2014 में मेट्रो और डीटीसी बसों को बढ़ावा देने का यही कारण था कि आज यह आंकड़ा 4,50,000 तक पहुंचा है। किसी महान पुरुष ने सही कहा है, नियम चाहे कितने भी सख्त हों, उनका तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक पालनकर्ता उनकी अहमियत ना समझे। जिंदगी का सवाल है ए मुसाफिर, 2 मिनट का ही तो ठहराव है, बत्ती के 3 रंगों का सम्मान कर, क्योंकि वही तो बचाव है।